देखिए, नमाजवादियों से जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी घबराती है। ये जो नमाजवादी दल के लोग हैं, जो देश के महापुरुषों की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी, देश को बांटने वालों को वोट के चक्कर में महिमा मंडित कर रहे हैं जो लोग, ना जनता बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के कर्म को देख रही है। और दो महीना बाद चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन कैसे ऐसे लोगों को सबक सिखाती है। झूठ बोलने की मशीन है बीजेपी और कोई फर्क, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आसमान की तरफ देखकर थूकने वालों का हश्र बड़ा बुरा होता है। ये मुख्तार अंसारी के राजनैतिक शूटर बन रहे हैं, तो ऐसे राजनैतिक शूटरों को 2022 के चुनाव में शूट करके घर बैठा दिया जाएगा, आप लोग चिंता न करें। अबू आजमी ने एक विवादित बयान हमेशा से कहा है, ये नमाजवादी पार्टी के लोग हिंदू विरोधी हैं। ये एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार प्रमाणित हो गया है। वही अखिलेश यादव की जो भावना है, समाजवादी पार्टी की जो भावना है, उसको प्रमाणित कर रहे हैं अबू हाशिम आजमी। कोई और नई बात तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अबू आजमी जो है, और जिस तरीके से जो है ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के लिए कह रहे हैं कि 20% वोट हमारा है, और इस तरीके से अगर अबू आजमी को समाजवादी पार्टी लॉन्च कर रही है अगर पूर्वांचल में, तो क्या ये कोई नई बात नहीं है। अबू हाशिम आजमी हमेशा से उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते रहे हैं, ऐसे लोगों से कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन, सरकार, हम सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर।